हेलो एवरीवन, लखनऊ रेंटल सर्विसेज में आपका सपरिवार स्वागत करता हूँ। निवेदन करना चाहूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आज मैं आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ उसके बारे में आपको संपूर्ण व विस्तृत रूप में सभी जानकारी मिल पाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए काफ़ी ग्लॉसी फ्रंट एलिवेशन का विला लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंट साइज मिल जाएंगे इस सोसाइटी के अंदर, जो कि एक गेटेड सोसाइटी, अंडरग्राउंड सीवर है और सेमी गवर्नमेंट बैंक से यहाँ पे आपको फाइनेंस मिल जाएगा। इस घर का जैसा कि आप फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी ग्लॉसी लुक आ रहा है पूरे ही विला का। डिफरेंट साइज़ के यहाँ पर जो घर आपको मिलेंगे, सब में फ्रंट एलिवेशन आपको सिमिलर मिलेगा। पूरा घर रोड के लेवल से 2.5 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है। यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड सीवर मिल रहा है। तो चलते हैं घर के अंदर और पूरा घर आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जो एंट्रेंस गेट देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी मजबूत लोहे का डिज़ाइनर गेट यूज़ किया हुआ है और आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक आ रहा है। और अब हम चल रहे हैं घर के अंदर और इस घर की से रिलेटेड और इस सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, मैं इस सोसाइटी के जो ओनर हैं उनके साथ आपको सभी जानकारी दिलाता हूँ। बात करें पार्किंग एरिया की, तो पार्किंग एरिया का साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी वाइड एरिया आपको यहाँ पे पार्किंग में मिल रहा है। पार्किंग में अगर फोर व्हीलर पार्किंग की बात करें तो आपकी स्कॉर्पियो, सफारी, वर्ना, इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी यहाँ पर इजीली पार्क हो जाएगी। पार्किंग एरिया के साथ ही साथ यहाँ पे साइड में जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लॉन का काफ़ी अच्छा स्पेस है। वॉशिंग के लिए यहाँ पे टैप्स आपको मिल रहे हैं। फ्रंट वॉल पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर फोकस लैंप्स भी लगे हुए हैं। और इवनिंग टाइम यकीन मानिए, इस पूरे घर का जो लुक आता है वो बिल्कुल ही ग्लॉसी लुक आता है। यहाँ पर जैसे कि आप लॉन एरिया देख रहे हैं, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आप बच्चों की बाइसिकल, टू व्हीलर, एज वेल एज अगर आपको घर के अंदर प्लांटेशन पसंद है तो आप यहाँ पे प्लांटेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे पार्किंग एरिया की जो फ्रंट वॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर आपको टेक्सचर्ड वॉल मिल रही है। नॉर्मली लखनऊ में जैसा कि आप जानते ही हैं कि आप कहीं पर भी घर लेते हैं तो जो पार्किंग की वॉल होती है, वहाँ पर पार्किंग की वॉल में आपको टेक्सचर्ड वॉल जल्दी देखने को नहीं मिलती है 99% घरों में। लेकिन यहाँ पर आपको टेक्सचर्ड वॉल फ्रंट में यहाँ पर मिल रही है, पार्किंग के फ्रंट में। स्टेयर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेयर्स के नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है फॉर इन्वर्टर एज वेल एज स्टोरेज पर्पस में भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस स्पेस को सर से बात करके अगर इसको आप पूरा कवर करा देंगे तो आपका ये जो स्पेस है स्टेयर्स के नीचे का स्पेस, यहाँ पर आप इन्वर्टर के साथ साथ स्टोरेज में भी इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। पूरा घर जैसा कि आप देख रहे हैं पार्किंग एरिया से 2.5 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है और यहाँ पर आपको मस्किटो नेट के डोर्स और विंडोज दोनों ही लगा के दी जा रही हैं। फुली फर्निश्ड कंडीशन में आज मैं आपको घर दिखा रहा हूँ। आपको बस कपड़े ला के रहना है यहाँ पर, यानी कि आपको फर्नीचर में हर वो चीज़ मिलेगी जो एक घर में नेसेसरी रहती है। तो चलते हैं गेस्ट रूम के एंट्रेंस से। तो गेस्ट रूम के एंट्रेंस में जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 8 फिट हाइट के एंट्रेंस डोर्स मिल रहे हैं। ये आपका मस्किटो नेट का डोर है जो जिसमें कि छोटी बड़ी दोनों ही जालियों का यूज़ हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो डोर क्लोज़र है, ये आप देखिए हैरिसन कंपनी का, यहाँ पर आपको डोर क्लोज़र लगा के दिया जा रहा है। पूरे ही घर में, इवन इस सोसाइटी में जितने भी घर बने हैं सब में आपको ब्रांड मटेरियल मिलेगा, यानी कि क्वालिटी में सर ने यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जैसा कि हम गेस्ट रूम से अंदर एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका गेस्ट रूम है। और स्पेस देखिए कि यहाँ पर आपको कितना परफेक्ट स्पेस मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 7 सीटर सोफ़ा सेट यहाँ पर प्लेस्ड है। आफ्टर देन ऑल्सो यहाँ पर साइड में आप देखिए अभी भी यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर आप 2 सीटर सोफ़ा सेट रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर टेबल और सोफ़ा सेट के बावजूद भी देखिए स्पेस काफ़ी परफेक्ट है। टाइल्स जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे घर में जितनी भी टाइल्स लगी हैं सब ब्रांडेड टाइल्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। फ्रंट वॉल जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लैंप्स लगे हैं इससे इसका काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है। पूरे घर में आपको यहाँ पर फुल फॉल सीलिंग मिल रही है। कर्टन्स, कर्टन रॉड सब कुछ आपको यहाँ पर लगा के दिया जा रहा है।
जैसे कि आप कर्टन्स देख रहे हैं, कर्टन्स के पीछे आपको काफ़ी अच्छी हाइट की यहाँ पर विंडो भी मिल रही है, जिसमें कि मस्किटो नेट, ग्लास ग्रिल तीनों का ही यहाँ पर यूज़ हुआ है। बात करें गेस्ट रूम के टीवी पैनल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हाइट का यहाँ पे आपको टीवी पैनल मिल रहा है, अलोंग विद ड्रॉर्स, अलोंग विद सेक्शंस। सेक्शंस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइटनिंग का वर्क हुआ है इसका, इससे देखिए काफ़ी परफेक्ट लुक आ रहा है। इसमें आप कोई भी शोपीस आइटम रखते हैं तो उसका और भी बढ़िया लुक आएगा। और यहाँ पर आपको सैमसंग कंपनी की टीवी भी लगा के दी जा रही है। नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्पेशियस ड्रॉर्स हैं, आप देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर गेस्ट रूम दिखा दिया है, गेस्ट रूम और डाइनिंग एरिया के बीच में आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप एक कर्टन रॉड लगा देंगे विद कर्टन्स, तो आपका गेस्ट रूम डाइनिंग एरिया से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। और मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पर गेस्ट रूम का स्पेस दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं काफ़ी परफेक्ट आपको यहाँ पर स्पेस मिल रहा है। बात करें डाइनिंग एरिया की, तो ये आपका डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर आपको 6-सीटर डाइनिंग टेबल भी लगा के दी जा रही है। सामने जैसा कि आप जो वॉल देख रहे हैं, इस वॉल में आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर PVC पैनलिंग का वर्क है विथ प्रोफाइल लाइट्स। इससे इसका देखिए काफ़ी ग्लॉसी लुक आ रहा है। घर में अंदर एंट्री करने के लिए ये आपका सेकेंड एंट्रेंस है जो कि आपके पार्किंग एरिया को कनेक्ट करता है। यहाँ पर भी आपको 8 फिट हाइट के यहाँ पर चौखट और 2 डोर्स मिल रहे हैं। ये आप जैसा कि जो मेन डोर देख रहे हैं ये सागौन की लकड़ी से बना हुआ डोर है, जिसमें कि PU पॉलिश हो जाने के बाद देखिए इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे आपको मस्किटो नेट का डोर भी लगा के दिया जा रहा है। तो चलते हैं डाइनिंग एरिया से अटैच किचन दिखाते हैं आपको। किचन जैसा कि आप देख रहे हैं, किचन की एंट्री में यहाँ पर सर ने जो वॉल है इसमें देखिए प्रोफाइल लाइट विथ PVC पैनलिंग का वर्क किया है। इससे देखिए इसका बिल्कुल परफेक्ट लुक आ रहा है। दिस इज़ योर स्पेशियस किचन। और किचन में जैसा कि घरों में होता है कि यहाँ पर आपको फ्रिज भी दी जा रही है, और फ्रिज प्लेस होने के बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्पेस है। इवन जब ये फ्रिज इस कार्टून से बाहर निकलेगी तो इसका स्पेस और भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको किचन दिखाना चाहूँगा, प्रोफाइल हैंडल्स का यूज़ हुआ है, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन। आप देख सकते हैं पूरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। यहाँ पर आपको हैंडमेड वॉश बेसिन भी लगा के दी जा रही है। हैवेल्स का यहाँ पर आपको RO लगा के दिया जा रहा है। गीज़र भी यहाँ पर आपको इनबिल्ट यहाँ पर गीज़र मिल रहा है। और ये आप स्पेस देखिए, काफ़ी परफेक्ट स्पेस आपको मिल रहा है। बात करें चिमनी की, तो यहाँ पे आपको सेमी ऑटोमेटिक चिमनी भी लगा के दी जा रही है। बात करें विंडो की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हाइट की विंडो है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। इसमें भी मस्किटो नेट, ग्लास ग्रिल तीनों ही चीज़ों का यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये आपके स्पेशियस कैबिनेट्स हैं और पूरा हाइड्रोलिक बेस पे है, कहीं पे भी आपको फोर्स करके नहीं बंद करना है। HDMR बोर्ड है, HDMR बोर्ड जैसा कि आप जानते ही होंगे एंटी टर्माइट और वाटरप्रूफ बोर्ड रहता है। ये भी देखिए स्पेशियस कैबिनेट्स हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रंट में जो टाइल्स लगी हैं इसका भी देखिए काफी परफेक्ट लुक आ रहा है। और सामने की तरफ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पावर पॉइंट भी मिल रहे हैं, सो दैट आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस सच एज मिक्सी या इंडक्शन भी अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये आपका पावर पॉइंट है। यहाँ पर किचन में भी आपको फुल फॉल सीलिंग मिल रही है विद प्रोफाइल लाइट्स। तो अब चलते हैं घर के फर्स्ट बाथरूम में। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका OTS एरिया है। यहाँ पर आपको काफ़ी मजबूत लोहे का जाल, मस्किटो नेट एज वेल एज शीट लगा के दी जा रही है। ये आपका मॉड्यूलर, यहाँ पर आपको वॉश बेसिन भी लगा के दी जा रही है।
और ये आप देखिए इसमें ड्रॉर्स भी आपको मिल रहे हैं। वॉश बेसिन के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं ये कलर चेंजिंग मिरर है, एज वेल एज बैक साइड में भी यहाँ पर सर ने टाइल्स लगाई हुई है। ये आपका फर्स्ट इंडियन वॉशरूम है, इसमें टॉप टू बॉटम यहाँ पे आप टाइल्स देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग का वर्क देखने को मिल रहा है। बात करें सैनिटरी फिटिंग्स की, जो कि सबसे एसेंशियल होता है एक घर में, क्योंकि पानी का देखिए सैनिटरी फिटिंग्स में जो पाइप्स होते हैं, अगर उसमें लोकल पाइप्स यूज रहते हैं तो उससे क्या रहता है कि जब 90 डिग्री पर पानी का प्रेशर टंकी से नीचे की तरफ आता है तो उसमें थोड़ा सा लीक होने का डर रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको सब ब्रांड का मिल रहा है, जिससे कभी आपके घर में सीलन आने की संभावना नहीं रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे सैनिटरी आपको जैगवार सैनिटरी फिटिंग्स पूरे ही घर में यहाँ पे लगा के दी जा रही हैं। तो ये आपका जैसा कि फर्स्ट स्पेशियस इंडियन वॉशरूम। अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम में अंदर एंट्री करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, दोनों ही बेडरूम्स में जैसा कि आप देख रहे हैं जो चौखट है 8 फिट हाइट की यहाँ पर चौखट यूज़ हुई है। साथ ही साथ चौखट की साइड में बिडिंग का जो वर्क है, इससे देखिए इसका एकदम परफेक्ट लुक आ रहा है। और अब हम चल रहे हैं फर्स्ट बेडरूम में। तो ये आपका फर्स्ट स्पेशियस बेडरूम है विद फुल फॉल सीलिंग। जब आप अपना डबल बेड सेंटर में यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आप दोनों ही साइड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पावर सप्लाई भी मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्रंट वॉल पर वॉलपेपर भी लगा के दिया जा रहा है। देखिए आप कस्टमाइज्ड वॉलपेपर है और इसका देखिए काफ़ी परफेक्ट लुक आ रहा है। इसमें जब आप अपनी टीवी प्लेस करेंगे तो और भी इसका ग्लॉसी लुक आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डीटीएच और इन्वर्टर की वायरिंग इंटरनल मिल रही है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये आपका एक्स्ट्रा एरिया आपको यहाँ पर बेडरूम में मिल रहा है। इसमें सपोज डैट आप अपना बच्चों का स्टडी रूम या कुछ भी बनाना चाहें वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप घर परचेज करने के बाद आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। फ्रंट वॉल जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर जो लैंप्स लगे हैं डिज़ाइनर लैंप्स का यूज़ हुआ है और आप देख सकते हैं काफ़ी परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन का पूरे ही घर में यूज़ हुआ है। और अब हम चलते हैं आपको इसका ओटीएस कम वॉशिंग एरिया दिखाते हैं। यहाँ पर आपको एस्ट्रिक कंपनी का पीवीसी डोर मिल रहा है। दिस इज़ योर स्पेशियस वॉशिंग एरिया, आप देख सकते हैं काफ़ी परफेक्ट आपको यहाँ पर स्पेस मिल रही है। वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पर आपको पावर सप्लाई के लिए सामने सॉकेट दिया हुआ है, टैप का कनेक्शन आपको मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इस वॉशिंग एरिया में कम ओटीएस में सपोज डैट आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ प्लेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट स्पेस रहेगा यहाँ पर वॉशिंग एरिया में। और ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं मजबूत लोहे का जाल, मस्किटो नेट और शीट तीनों ही चीज़ों का यहाँ पर यूज़ हुआ है। एसी की जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर सब आपको इंटरनल मिल रही है। और अब हम चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम में। तो ये आप देख सकते हैं ये इसका सेकेंड बेडरूम है। दोनों ही बेडरूम में आपको यहाँ पर डबल बेड लगा के दिए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस यहाँ पर आपको बेडरूम मिल रहा है और डबल बेड विद साइड स्टूल्स प्लेस होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं काफ़ी परफेक्ट स्पेस है, फुल फॉल सीलिंग मिल रही है। जैसा कि आपने फर्स्ट बेडरूम में देखा था आपको एक वॉल पर लैंप्स लगा के दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी हाइट की वार्डरोब भी आपको यहाँ पे मिल रही है विद मिरर। यहाँ पर आप जैसा कि आप ये सेंटर में देख रहे हैं ये मिरर है और ये आपका कलर चेंजिंग मिरर का यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये आप ड्रॉर्स देखिए काफ़ी स्पेशियस यहाँ पर ड्रॉर्स भी हैं। और यहाँ पर इस पूरी सोसाइटी में आपको सेमी फर्निश्ड फुली फर्निश्ड विला मिल जाएंगे परचेज करने के लिए।
किसी भी सेमी गवर्नमेंट बैंक से आपको इजिली फाइनेंस मिल जाएगा। फ्रंट वॉल पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां पर आप अपनी टीवी प्लेस करेंगे, यहां पर आपको कस्टमाइज्ड वॉलपेपर लगा के दिया जा रहा है। और नॉर्मल वॉलपेपर से इस ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। और इसका आप जो लुक देख सकते हैं कि काफ़ी काम लुक है, और इसका देखिए काफ़ी ग्लॉसी लुक भी आ रहा है। इस बेडरूम से अटैच्ड ये आपका सेकंड वॉशरूम है, इसमें भी आपको जैगुआर सैनिटरी फिटिंग्स मिल रही है टॉप टू बॉटम। यहाँ पर आपको टाइल्स लगा के दी जा रही है। स्पेस देखिए काफ़ी परफेक्ट आपको स्पेस मिल रहा है, वॉल हैंगिंग सीट मिल रही है। और जैगुआर कंपनी का मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पर आपको गीजर भी लगा के दिया जा रहा है विद फुल फॉल्स सीलिंग, एज वेल एज यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट भी लगा के दिया जा रहा है। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव या नोन पर्सन अगर लखनऊ में डायरेक्ट ओनर की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो परचेज करने के लिए, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें। तो जैसा कि अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, तो फर्स्ट फ्लोर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट है, इसको प्लीज़ माइंड ना करिएगा। सेकंड फ्लोर तक का आपको यहाँ पर स्टेयर्स मिल रही हैं स्टील, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्वायर स्टील भी मिल रही है। स्टेप्स की बात करें तो डबल मोल्डिंग यहाँ पर ग्रेनाइट का यूज़ हुआ है। फ्रंट में जो वाइट टाइल्स लगी है, जब ये पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा तो इसका और भी परफेक्ट लुक आएगा। यह आपकी कवर्ड स्टेयर्स एरिया है और यहां पर फ्रंट में ग्लास विंडो है जिससे आपका वेंटिलेशन काफी परफेक्ट रहेगा। तो चलते हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं, साइड में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेपिंग का वर्क है, इलेक्ट्रिक सप्लाई और वाटर की सप्लाई यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर के टेरेस एरिया में भी मिल रही है। और इससे पहले जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था इस विला का, और ये विला अब बिक चुका है, फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपने देखा होगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यही घर दिखाया था जिसमें अब फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपको फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम का जो एंट्रेंस है, सेम डोर और चौखट आपको वैसी ही मिल रही है जैसे कि मैंने ग्राउंड पे आपको दिखाया है। और यहाँ पर आपको एक साइड में सबसे पहले खड़े होकर स्पेस दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं काफ़ी परफेक्ट स्पेस आपको फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में मिल रहा है। जितने भी फैंस और वायर्स हैं यहाँ पर आपको हेवल्स कंपनी के मिल रहे हैं, वॉलपेपर मिल रहा है, फुल फॉल सीलिंग मिल रही है, एज वेल एज कर्टन रॉड्स कर्टन सब कुछ आपको यहाँ पे लगा लगाया मिल रहा है। इस बेडरूम से अटैच ये आपका वॉशरूम है, इसमें भी जैसा कि ग्राउंड पे मैंने आपको बताया एस्ट्रिक कंपनी का यहाँ पर आपको UPVC डोर मिल रहा है। यह आपका स्पेशियस वॉशरूम जिसमें कि आपको वॉल हैंगिंग सीट लगा के दी जा रही है, एग्जॉस्ट और जैगुआर की सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पर आपको मिल रही हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं जैगुआर कंपनी का डाइवर्टर लगा हुआ है। टॉप टू बॉटम यहाँ पर आपको पूरा टाइल्स मिल रही है। और सर के आने वाले घरों में, जो अब सर के घर बन रहे हैं ऑन माय डिमांड, मैंने सर से कहा था सर अब जो घर बनाइएगा उसमें बस एक काम कर दीजिएगा, जैसे आप एक बेडरूम वॉशरूम बनाते हैं तो बेडरूम वॉशरूम के साथ साथ एक किचन और लॉबी एरिया भी अवश्य बनाइएगा। इससे क्या रहता है, कोई भी घर परचेज करते हैं तो ऊपर का पोर्शन वो रेंट पे दे सकते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो ऊपर रह के 1 BHK में नीचे का पोर्शन रेंट पे दे सकते हैं, जिससे कि उनका 10-12-15 हज़ार रुपये इजली रेंट मिल जाता है। तो सर उस पर एग्री हो गए। और ये आपका बालकनी से अटैच डोर है, यहाँ पे आपको जो ग्लास मिल रहा है डिज़ाइनर ग्लास मिल रहा है विद स्टील, जिंदल स्टील का यहाँ पे वर्क है। ये आपका बालकनी एरिया है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बालकनी कवर्ड है, और इसका देखिए काफ़ी फैंटास्टिक लुक आ रहा है। ड्यूरिंग इवनिंग या मॉर्निंग टाइम जब आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बालकनी में बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग आएगी। सामने आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए सामने पार्क है, और ये जितने भी घर आप देख रहे हैं इन सब में फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। सामने जैसे कि आप देख रहे हैं अभी और भी यूनिट्स बन रही हैं, तो चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ और सेकंड फ्लोर भी आपको दिखाते हैं। ये आपका कवर्ड बालकनी, तो अब हम चल रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, और यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहूँगा जो स्टेप्स मिल रहे हैं। यहाँ पे डबल मोल्डिंग ग्रेनाइट का वर्क हुआ है, और ये आपकी स्पेशियस कवर्ड मुमटी। पूरा घर जैसे कि आपको बताना चाहूँगा लटक बीम टाई बीम और कॉलम पे बना हुआ काफ़ी मजबूत घर है। इसमें जितना भी मटेरियल, सबसे बड़ी बात कि मटेरियल जो यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, ये सब यहाँ पर आपको सब ब्रांड मटेरियल का आपको यहाँ पर इस्तेमाल दिखेगा। इस एरिया को आप स्टोरेज पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी मजबूत लोहे का गेट भी लगा के दिया जा रहा है। सेकंड फ्लोर के मुमटी के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे आपको स्टेप्स भी बना के दिए जा रहे हैं, और इस स्टेप्स में आपको दिखाना चाहूँगा सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि देखिए पूरा स्टेप, जैसे मेरा फुट है ये पूरा स्टेप पे इजीली आ गया है। अच्छा, कई घरों में क्या रहता है, बिल्डर 2 से 3 इंच का स्टेप देते हैं जो कि सही नहीं रहता है, सेफ नहीं रहता है। सपोज डैट घर में यंग पर्सन कोई नहीं है, ओल्ड एज गार्जियंस को ऊपर चढ़ के अगर कुछ भी देखना है, टंकी भी देखनी है, तो वो सेफ नहीं रहता है। और ये आपका सेकंड फ्लोर का टेरेस एरिया है। सपोज डैट कभी आप फर्स्ट फ्लोर को पूरा बनवा लेते हैं, पूरा कंस्ट्रक्ट करा लेते हैं, तो आपको अलग से स्टेयर्स नहीं बनाने पड़ेंगे सेकंड फ्लोर तक आने के लिए। बात करें फाइनेंस की तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, LIC, HFL, कोटेक महिंद्रा बैंक से आपको इजीली यहां पर फाइनेंस अवेलेबल रहेगा। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप जिनसे मिलेंगे, मैं सबसे पहले आपको उन सर से मिलाना चाहूंगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार देवेश भाई, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। सर मैं ये चाह रहा था कि जैसे आपकी ये पूरी गेटेड टाउनशिप है, इसके बारे में जो फैसिलिटीज हैं वो सभी दर्शकों को जरूर बताएं। देवेश भाई, जैसे ही आप हमारी सोसाइटी में एंटर होंगे, मेन रोड हमारा 50 फीट का है, लिंक रोड सारे हमने 30 फीट के दिए हुए हैं, सीवर टोटल पड़ा हुआ है, डामर पड़ा हुआ है, और स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरा, 24 घंटे गार्ड, STP प्लांट, पानी की टंकी, 25 फैमिलीज यहाँ रह रही हैं, 5 पार्क दिए हैं हमने इसमें बड़ी। बहुत बढ़िया सर, मतलब घर के बाहर यहाँ पे 30 फीट की डामर रोड है, सीवर सब है, सीवर टोटल पड़ा हुआ। अच्छा सर, सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि जैसे फाइनेंस की, जैसे कि कई दर्शक कहते हैं कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ या आई एम अ बैंकर, मुझे कौन कौन से बैंक से फाइनेंस हो जाएगा, मेरे बैंक से हो जाएगा, जैसे SBI, PNB, यूनियन बैंक, BOI, सेमी गवर्नमेंट बैंक से यहाँ फाइनेंस हो जाएगा? सर जी सर बिल्कुल हो जाएगा। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, LIC, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से हो जाएगा। अच्छा सर, अब तीसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि यहाँ पर साइज की बात करें तो साइज क्या क्या रहेगा? सर यहाँ पे 1100 स्क्वायर फीट वाला जो हमारा है वो 80 लाख का है, और 1200 वाला जो आपने वीडियो बनाया शूट किया है ये 90 लाख का है। ये डिमांड है। अच्छा, जैसे नवरात्र आ रही है, दिवाली आ रही है, तो उसके लिए कुछ आकर्षक उपहार या आपके दर्शक अगर कोई आता है तो उसके लिए 1 लाख की छूट रहेगी नवरात्र। अच्छा, ये फुली फर्निश्ड आप करके देंगे? जी फुली फर्निश्ड। फुली फर्निश्ड में क्या क्या सामान रहेगा? सर इसमें 7 सीटर सोफा रहेगा, 6 सीटर डाइनिंग टेबल रहेगा, डबल डोर फ्रिज, TV, AC, गीजर, RO, चिमनी, वाटरप्रूफ, बेड, ये सारी चीजें। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, इतना सब तो मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। अच्छा एक चीज और मैं जानकारी चाहता हूँ, यहाँ पे सोसाइटी में जितने भी विला बने हुए या जिसका मैंने वीडियो बनाया है, इसमें जैसे जो डोर आपने बताया, आपने जैसे वीडियो में स्टार्टिंग मुझे बताया था सागौन की लकड़ी से बना हुआ दरवाजा है, वो तो देखने में समझ में आ जाता है,
तो यहाँ पे जैसे वायरिंग है, वायरिंग सर किस कंपनी की? वायरिंग इसमें टोटल हैवेल्स की है। हैवेल्स की है, जैगवार जैसे सैनिटरी फिटिंग्स है, मतलब ब्रांड में आप लोगों ने कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो सर आपने इतना जानकारी दी, और एक आखिरी जानकारी और की, जैसे अगर बात करें, आपने मुझे बताया था स्टार्टिंग में एलडीए से भी आप अप्रूवल, आपका कोई प्रोजेक्ट है? जी सर, इसी प्रोजेक्ट के 50 मीटर आगे हमारा नया प्रोजेक्ट आने वाला है। जी जी है वो। जी जी उसकी बुकिंग चालू हुई है। जी जी मतलब अभी जो लेगा उसको रेट में बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिल जाएगा जी। अच्छा, अभी जो अपना बुक कर देते हैं एलडीए अप्रूव जिनको चाहिए, अगर वो बुक करते हैं तो उनको अच्छा रेट भी मिल जाएगा। जस्ट बिकॉज कि जैसे ही समय बीतता है तो हम लोग भी जानते हैं कि रेट ऑटोमेटिक हाइक हो जाते हैं। जैसे इससे पहले मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था उसमें रेट कुछ और थे, और आज का यहाँ पे इतने फैमिली ऑलरेडी शिफ्ट हो गई हैं तो आज का रेट यहाँ पर कुछ और है। तो सर आपने इतना समय दिया अपना दर्शकों के लिए, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू एवरीवन।